ऑफिस जा रहा हूँ अपने पापा के ऑफिस, क्योंकि वो गाँव गए हैं। तो 11:30 होने वाले हैं और मैं थोड़ा सा लेट हूँ, 11 बजे, 11:15 के आसपास पहुँचना था मुझे। मैं 11:45 पहुँचूँ, आधे घंटे लेट हूँ। बड़ा ही कंजस्टेड सा एरिया है। पहुँच गया यार, एंड पूरे टाइम मुझे गर्मी नहीं लगी, लेकिन अब यहाँ पे ना 4 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, यहाँ लग जाती तगड़ी वाली। एंड गाइस, इसके बाद में मैं यहाँ पे 12-1 बजे तक हूँ शायद, और अभी 12 तो बज ही गए, 1:30 बजे, 2 बजे तक हूँ यहाँ पे मैं। एंड उसके बाद मैं निकल जाऊँगा, मुझे राजीव चौक जाना है, बाकी सब लोग भी आएंगे उधर ही, दिलप्रीत, मैं, शायद अमर भी होगा, और मेरा भाई तो आ ही रहा है, तो हम लोग CP में मिलेंगे। मेरा भाई पहले मिल जाएगा मुझे, शायद पता नहीं जो भी आगे प्लान, लेकिन हमें CP जाना है क्योंकि वहाँ से हमें कुछ लेना है। सो और हमें कहीं मिल नहीं रहा है, हम CP में ट्राई मारना चाहते हैं कि क्या पता वहाँ मिल जाए। मैंने ना उसको खाना लाने के लिए भेज दिया है, मेरे को बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है, और मेरे पास सिर्फ आधा या 1.5 घंटा है, तब तक मेरा भाई आ जाएगा, तो मेरे को निकलना पड़ेगा। तो ये भाई ले आया छोले भटूरे और चाय भी आ गई है। तो भाई और अमर वो है नीचे मेट्रो स्टेशन में मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैं निकल रहा हूँ अभी, 2 बजने वाले हैं। एंड वो भी हम एक और ब्लॉग शूट कर रहे हैं साथ में, तो डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है हमारा, दूसरा चैनल है उसका, उस पर वो वाला ब्लॉग आएगा। और भीड़ काफ़ी हो रखी है यार यहाँ पे, मैं भी भंडारा लगा। हाय बीचिस, अरे यार छोड़ दे भाई, तू कभी तो हमारे साथ ग्रुप में हमारे साथ भी रह लेगा, डॉक्टर साहब कुछ नहीं देंगे, निकाल के बता रहा हूँ मैं। पता नहीं कौन से फोन से इलाज करवाने के चक्कर में है बंदा, समझ रहे हो ना? तो ऐसे-ऐसे बात बताऊंगा ना मैं, क्या ऑफ कैमरा ऐसे-ऐसे बात बताऊंगा ना तो पागल हो जाएगा, कैमरा बंद करो। सो गाइस, वी आर एट राजीव चौक मेट्रो स्टेशन एंड वी आर विद द फुल स्क्वाड। ओए ये स्टेशन देख के ना मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? वो यहाँ पे राजीव चौक पे कुछ TV की बात कर रहा था, कुछ TV पे हुआ था। अच्छा, इसके दिमाग में ये चलता रहता पूरे टाइम, TV पे जो हुआ था यहाँ पे, राजीव चौक वाले TV पे, TV नहीं जो भी चला रहता। हाँ राजीव चौक, तेरे को पता ही होगा सब कुछ। बहुत ही पास है जहाँ पे हमें जाना है, और लेकिन इनको कोई आइडिया नहीं कि हम लोग कहाँ हैं, क्यों आए हैं। अमर गैस, मैं पूछे जा रहा हूँ, गैस कर लो, गैस कर लो। ये इसको ऐसा लगा कि हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि हम टिकटॉक वालों का रिकॉर्ड कर सकें, टिकटॉक वाले क्या क्या करते हैं। तो हम लोग एप्पल स्टोर आए हैं, एंड प्लान इज कि हम लोग एप्पल वॉच ले रहे हैं, वो भी 2। हम कल पूरा दिन घूमे, हमने शूट भी किया ब्लॉग, कोई कंक्लूजन नहीं निकला उसका, तो वेस्ट चला गया बिल्कुल ही। सो गाइज, वी आर एट द एप्पल स्टोर। या तो हम लोग एक फ़ोन ले सकते हैं नया वाला, या फिर हम लोग 2 एप्पल वॉच ले सकते हैं। तो हमने क्या सोचा भाई, हमने मतलब थोड़ा समझदारी वाला विचार विमर्श करके, थोड़ा मतलब यू नो आपस में गुफ्तगूज करके, वी हैव डिसाइडेड कि लेट्स गो फॉर द वॉच। एक दिक्कत ये आ गई कि यार ये बोल रहे हैं कि इसमें ना इनके पास स्टॉक ही नहीं है, वो है नहीं, तो वो स्टॉक चेक कर रहे हैं, तो अभी स्टॉक चेक कर रहे हैं, अगर अगर मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो हम फ्यूचर वर्ल्ड की जगह बगल में क्रोमा है वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे मिल जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे स्टॉक का इशू चल रहा है, तो वही बात हुई है ही नहीं, स्टॉक बोले मंडे को मिलेगा, लेकिन हम नहीं, हमें आज चाहिए। अब हमारे जोर में, हमारे बस में सिर्फ एक बात है कि हम यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे चल के क्रोमा स्टोर जा सकते हैं, तो क्रोमा स्टोर में अगर हमें मिलती है देन इट्स ऑल गुड, वरना तो भाई आज ही लेंगे वाला जो हमारा जुनून है ना, वो वहीं का धड़ा धड़ा रह जाएगा। सैडनेस का काफी बताना पड़ रहा है कि जो हमें चाहिए था वो उन पे नहीं मिला। हमारे लोकल में लोकल स्टोर है, हाँ लोकल में लोकल स्टोर, तो उसके पास जा रहे हैं हम लोग, अभी कहीं पे भी स्टॉक में नहीं है और हम लोग जा रहे हैं अभी उसके पास कॉल किया, उसके पास स्टॉक में बढ़िया सैड पार्ट, वो किसी और में ऐसी बोल रहा है, बट एप्पल वॉच बोल दिया ऐसी, स्टिल होप्स ऑन है क्योंकि बोला है अरेंज करवा देगा, कहीं पे भी स्टॉक नहीं मिला हमें। अब ट्राई मारना है यहाँ पे, इसमें फ्यूचर वर्ल्ड में इसमें वैसे वीडियो बनाने देंगे, बाकी देख के आते हैं इसमें है कि नहीं है। सैड पार्ट इज इस पे भी स्टॉक नहीं है, 40 mm मिल रही है, 44 mm नहीं मिल रही है। और मत बताओ मैं, और ले लो हमसे चुपके, क्या यार, मतलब पूरी दिल्ली में हमें 44 mm का स्टॉक ही नहीं है कहीं पे भी। 7+ लिया था तब सेम इशू था, हर जगह घूम लिए थे कहीं नहीं मिला था, जब एक्सेस लिया सेम इशू, हर जगह घूम लिए कहीं नहीं मिला,
एप्पल वॉच ले रहे हैं कहीं नहीं मिल रही है, मतलब जो नहीं चाहिए वही वो मिलती रहती है। मेरे फोन में कोई इशू नहीं आया, मेरे को फटाक से मिल गया था 10, क्योंकि हमने बाहर से विदेश से मंगवाया था। हाँ हम इसके लाइन में लगे हैं, यहाँ पे भंडारे की लाइन लग रही है। तुमने कुछ खाया नहीं है ना, लग जा भाई लाइन में, भंडारे की लाइन में लग, हम देख के आते हैं सीपी में कोई से भी एप्पल स्टोर पे हमें एप्पल वॉच नहीं मिल रही है। सबको क्यों खरीदनी होती है एप्पल वॉच, मत खरीदो यार। तो बेसिकली अगला दिन है एंड ये तीसरा दिन है जब मैं एप्पल वॉच की तलाश में जा रहा हूँ एंड मुझे मिल नहीं रही है। तो पिछले 3 दिन से मैं मशक्कत कर रहा हूँ। सो अभी मैं वापस शॉप पे आ चुका हूँ, बहुत देर इधर उधर फ़ोन कर कर आके अभी किसी से पूछा, कहीं पे भी स्टॉक है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं। अभी 8-10 दिन तो अभी किसी से पूछा है तो किसी के पास मिला है तो वो कल तक आएगा इनके पास में, तो होपफुली कल ले जाऊँ। तो आज ये तीसरा दिन था, कुछ नहीं हो सकता, चौथे दिन पे देखते क्या होता है। सो चौथा दिन आज, और अभी मेरी कॉलेज की छुट्टी हुई है, मैं घर जा रहा हूँ वापस, और घर नहीं जा रहा मैं जा रहा हूँ शॉप पे, वहाँ पे जाऊँगा क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था शॉप वाले ने कि शाम के टाइम मिल जाएगी, तो अभी होप करता हूँ कि मिल जाए बस। यार पता नहीं वॉच होगी क्या होगा, सुसरी मिल के नहीं दे रही यार, एक स्पेस ग्रे मिल रहा है जहाँ देखो, और मुझे वो चाहिए ही नहीं कहते बिल्कुल। अब देखते हैं कब मिलेगी भाई, मैं कितना लंबा खींचना पड़ेगा इस वीडियो को पता नहीं, जो भी लेकिन लेके फिर एंड करूँगा इसको सुसरी को। तो यार एक बढ़िया सी न्यूज़ मिली मुझे, तो अभी मैंने बाई चांस ही मैं बैठे बैठे मैं यार एक बार ट्राई मार लेता हूँ कि क्या पता कहीं और मिल जाए मुझे। तो मैंने एक एप्पल स्टोर पर कॉल किया, मेरे घर से शायद 10-12 किलोमीटर दूर है, तो उस पर मैंने कॉल किया तो उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा भाई जो मुझे चाहिए वो है कि नहीं, तो उन्होंने बोला एक मिल जाएगा, तो एक यहाँ पे मिल जाएगा मुझे और एक मुझे मिल रहा है कमला नगर में, तो मतलब दोनों अलग अलग थोड़ा सा दूर हो गए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं एक ले लूँ अभी और एक मैं ले लूँगा कल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो एक तो ले ही लेता हूँ यार, क्योंकि बाद में ज़रूरी नहीं होता कि जब एक आए दूसरी नहीं होगी, तो इस हिसाब से तो मैं ले ही नहीं पाऊँगा। इंदिरापुरम आया तो यहाँ पे एप्पल स्टोर दिख रहा है मुझे, और फाइनली मेरे को एक तो मिलेगी यार, अभी आई एम वेरी एक्साइटेड यार, बहुत दिन से मैं चाह रहा था कि मेरे को मिल जाए जल्दी से। हाँ भाई, तो ये 44,000 की मुझे पड़ी है। एंड अगर एक बहुत ही गंदी चीज़ ये है कि बाहर अगर मैं मार्केट से खरीदता हूँ नॉर्मली, क्योंकि एप्पल स्टोर में तो कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है, अगर बाहर किसी नॉर्मल शॉप से ख़रीदते हैं कार्ड से अगर स्वाइप करते हैं तो एक्स्ट्रा 2% भी लेते हैं वो लोग, एंड 44,000 की है तो उसमें 3,000 या 4,000 एक्स्ट्रा लगा के बेचते। मैं इसको खोल नहीं रहा हूँ और ना यूज़ करूँगा अभी, जब तक दूसरी नहीं आएगी तब तक इसका कोई यूज़ नहीं है। तो अब देखना दूसरी कब मिलेगी, जब दोनों आ जाएंगी उसके बाद खोल कर इसको सेट वेट करके पहनेंगे। तो ये 5वां दिन है जब मैं घड़ी के पीछे भाग रहा हूँ और आज फाइनली मुझे मिल रही है। हम लोग अभी लॉजिक्स मॉल आए हैं नोएडा में जो, अब फटाफट लेके आऊँ क्योंकि इसके बाद वाली क्लास छोड़ना खतरे की घंटी है बिल्कुल। हाँ भाई, हाय भाई, कभी ना किस्मत साथ नहीं देती और कभी बैंक बैलेंस साथ नहीं दे रहा। अभी यार पता लगा कि जो मैं क्रेडिट कार्ड लेके आया था उसमें से एक पेमेंट हो गई थी कल शाम को, मतलब मैं एक वॉच लेके आया उसके बाद में एक पेमेंट और हो गई, बिल जाना था कोई वो उसमें से चला गया, तो उसमें जो अमाउंट रहती है वो कम हो गई, तो उसकी वजह से मिल नहीं रहा। मैं ले सकता हूँ, मेरे पास दूसरा कार्ड भी है लेकिन HDFC पे लेना है क्योंकि उस पर कैशबैक मिल रहा है, तो मुझे 4,000 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है तो वो मैं छोड़ नहीं सकता। और उसमें पैसे डलवाए हुए हैं, 2-3 दिन से उसमें डलवाए हुए हैं लेकिन वो अभी तक उसके अंदर आए नहीं, प्रोसेस नहीं हुए, तो अभी मेरे को वापस जाना पड़ रहा है और मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है कॉलेज पहुंचने के लिए, मुझे पहुंचना पड़ेगा जल्दी से जल्दी नहीं तो मेरी अटेंडेंस चली जाएगी। मैं कल जहाँ पे आया था उसी वो सेम मॉल में लॉजिक्स में, और हमने पैसे डलवा रखे थे कि वो क्रेडिट नहीं हुए थे, तो आज हो गए। मेरे पास सुबह सुबह पापा का कॉल आ गया था, तो अब जैसे मुझे टाइम मिला मैं फटाक से वक्त के आ गया, क्योंकि कॉलेज के बाद मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि वापस यहाँ पे आऊँ फिर मेरे को उल्टा पड़ जाएगा। सो मैं भी आया हूँ और मैं फटाफट लेता हूँ अभी। फाइनली भाई, इतनी मेहनत करके मिल ही गया, अब मैं फटाफट कॉलेज जा रहा हूँ वापस क्योंकि मेरी क्लास है, एंड इतने सारे पैसे लगाए दिए। सो अब मेरे को सीधा घर पे भाई को दिखाऊँ, भाई ज़्यादा एक्साइटेड था भाई, वो उस मतलब बेसिकली सिल्वर कलर उसको चाहिए, मेरे को गोल्ड चाहिए तो उसके लिए था ये। तो मैं ले गया वॉच, एक डब्बा तो लिए बैठा ये दूसरी के इंतज़ार में, क्या बात है। एप्पल डब्बा भी सेक्सी देते हैं, ये नहीं मानने को राजी। एक इन्वेंट का ते एक आई वर्ल्ड का,
क्या बात है जिस नाम के आई लग जाए नाम ही सेक्सी बन जाता है वो मिल गई वॉच दोनों इतनी मशक्कत के बाद 88,000 का फटका लग चुका है हमें फटका तो 88,000 की घड़ी ओह माय गॉड ब्रो ये तो गुची वाली हो गई अनबॉक्सिंग और कैसे क्या सेट करा है उस वो देखना तो डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उस चैनल पर जाइए या फिर वीडियो का लिंक भी डाल दूँ मैं डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक होएगा उस पर जाइए आपको इसकी अनबॉक्सिंग और जो भी है वो आपको वीडियो मिल जाएगी चेक तो अब चेक। हम बस इसको पहन पहन कर आप देख रहे हैं कैसी होगी अब इसको जो चीज़ें पहनते हैं क्या बात है पागलपन है ये एप्पल के पीछे इसको बोला आईफोन लेने के लिए लेकिन इसने भाई ने कुछ लिया है अपना अलग लिया है आपको जल्दी देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक चेक कर लो आईफोन ही लिया क्या पता आईफोन क्या पता प्रो प्रा कुछ नहीं प्रो प्रा लगा लोगों के एकदम रेडी कर ली वॉच सब सेट है अभी तो बस मजा सा आ गया दिल खुश हो गया भाई एक मतलब यही चीज़ कमी मार रही थी कि हमारे पास अभी एप्पल वॉच नहीं है बाकी तो ठीक ठाक है ही अपने पास मटेरियल जुगाड़ चल रहा है बाकी बाकी चल रहा है अभी और ले लेंगे कुछ आगे थोड़ा सा प्लानिंग वी आर प्लानिंग थोड़ा सा और भगवान की कृपा रही तो हाँ सो गाइज यही थी हमारी बहुत इतनी ज़्यादा लंबी स्ट्रगल एप्पल वॉच के लिए सो गाइज आपको अगर मज़ा आया हो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना वीडियो को एंड अगर आप नए हो और देख रहे हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहुत ही मज़ेदार ऐसे कुछ भी व्लॉग्स आप देख सकते हैं इस चैनल पे सो बाय बाय मिलते हैं अगले वीडियो में और आप हमें इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर ऐड करना मत भूलिएगा वहाँ पर आपको अंधी स्टोरीज मिल जाएंगी बाय बाय